राम सीताराम कहिए, चलिए धीरे राम कहिए, धीरे सीताराम सीताराम कहिए, चलिए धीरे राम कहिए, धीरे सीताराम सीताराम सदा करते रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए, धन्यवाद निर्विवाद सदा करते रहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। एक स्पष्टीकृत है दिव्य सचिन, जिन साधकों ने 20,000 रोज जप करने का, सुबह शाम ध्यान में बैठने का एवं स्वाध्याय का व्रत लिया हुआ है, यदि उनमें से कुछ साधकों को या कोई और साधक हो जिन्हें स्वाध्याय करने में कठिनाई महसूस होती हो, अतएव उन्होंने अपना नाम ना लिखवाया हो, तो अमृतवाणी जितना पाठ आपको याद है वह कर लिया कीजिएगा, तो आपका ये नियम भी निभ जाएगा। स्थित प्रति के लक्ष्य नहीं बढ़ सकते, उपासक का अंतिम जीवन नहीं बढ़ सकते, कोई बात नहीं, अमृतवाणी जितनी याद है पढ़ ली, वह भी तो ग्रंथ ही है, तो ग्रंथ का स्वाध्याय आपका ये नियम भी पूरा हो जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, इनमें कोई बहुत उलझने की आवश्यकता नहीं। मैं सच मानिए बहुत ऋणी हूँ आपका, जिन्होंने ये व्रत लिया है, बहुत धन्यवाद करता हूँ। 20,000 रोज का जाप, सुबह शाम ध्यान, मैं तो इतने में ही बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरे बाबा मेरे से कहीं अधिक प्रसन्न है। सो स्वाध्याय यदि न कर सके तो कोई बात नहीं,
यदि आपने इसलिए नाम आपने नहीं लिखवाए हुए कि आप स्वाध्याय नहीं कर सकते तो मेहरबानी करके अपने अपने नाम लिखवा दीजिएगा। कोई ऐसी बात नहीं, अमृतवाणी का पाठ जितना भी आपको याद हो कर लिया कीजिएगा। आज 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन का शुभारंभ होता है। भगवान श्री अर्जुन पर कितने डरे हुए हैं ये देखने को मिलता है, उसे अपनी दृष्टि दे रहे हैं तो अपने चक्षु से मुझे नहीं देख सकेगा, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, देख अर्थात मैं तुझे अपनी दृष्टि देता हूं ताकि जो कुछ तो देखना चाहिए मैं देख सके। मात्र एक सिंपल सी रिक्वेस्ट करी है, प्रार्थना की है, मैं आपका वह रूप देखना चाहता हूं जो आपने 10वें अध्याय में वर्णन किया है। और भगवान ने कोई आर्गुमेंट या कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, हाँ देख कितने डुले हुए हैं अर्जुन की श्रद्धा पर, प्रीति पर, सरलता पर, निष्कपट है, निष्पाप है, बार बार कहते हैं तो निंदा रहित है, तो निष्पाप है, सरल है, श्रद्धा है तेरे अंदर, इतने सारे गुणों से युक्त। संसार में दो व्यक्ति हैं ऐसा क्षणों जिन्होंने अपने नींद पर नियंत्रण किया हुआ था, लक्ष्मण जी महाराज एवं अर्जुन। अर्जुन को छोटी मोटी हस्ती मत समझिएगा, निरालसी अर्जुन, भगवान जी कहते हैं जिसके अंदर आलस नहीं है वह अर्जुन, जिसका नींद पर नियंत्रण है वह अर्जुन। कहीं वर्णन आता है अर्जुन को मत ऐसा समझिएगा कि ये एक साधारण कोई व्यक्ति है, संत महात्मा उसे नर कहते हैं तो भगवान को नारायण कहते हैं, नर तो हम भी हैं लेकिन हमें तो ऐसा भगवान संबोधित नहीं करते, अर्जुन को ऐसा किया है नर है, मैं नारायण। युद्ध के दिनों में भी देवी सचिनों ध्यान दो, हम कहां हैं उनके मुकाबले में, युद्ध के दिनों में भी अर्जुन, युद्ध कोई साधारण चीज नहीं है, वैर विरोध से भरी हुई, शत्रुता से भरी हुई चीज। आप तो अपने घरों का काम काज करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, मामूली बातें हैं, अर्जुन युद्ध कर रहा है, मेरे सामने शत्रु खड़े हैं, मैंने इनको मारना है, तो अंदर से वैर द्वेष भावना कितनी कटक कितनी होती होगी कि मुझे इसको मारना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वह निर्वैर नहीं है, उसके अंदर उस वक्त वैर की भावना, द्वेष की भावना उसके अंदर आती है, क्रोध की भावना उसके अंदर आती है, बदले की भावना उसके अंदर उस वक्त आती है। इतने सब कुछ के बावजूद भी देवी सचिनों आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन सोने से पहले 51 माला रोज फिरता था, अपने कक्ष में आके 51 माला रोज फिरता था। कहते हैं भगवान श्री अर्जुन का कक्ष एक ही होता था, दोनों एक ही कक्ष में सोते थे। आज अर्जुन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि माला फिरते फिरते कई दफा हमारे भी होता है ना, छूट जाती है माला, मन ऊंग आ गई, अर्जुन को भी ऐसी ही ऊंग आ गई, गहरी नींद में प्रवेश कर गया। मध्य रात्रि के बाद कहीं आंख खुली, इस प्रकार से करती हूं मेरी माला ही पूरी नहीं हुई, देखा तो माधव माला फिर रहे थे। पूछा, आप क्या माला फिरती हैं, पर तेरी माला पूरी नहीं हुई थी, मैं पूरी कर रहा हूं। अर्जुन को साधारण व्यक्ति न समझिएगा, मैं तुम्हें अपने दिव्य नेत्र देता हूं तो इन नेत्रों से मुझे देख सकेगा। बुद्धि योग की चर्चा चल रही है साधक चरु 10वें अध्याय के अंतर्गत, दो बुद्धि की चर्चा थी जो हमें परमात्मा में पूर्णतः विश्वास न होना दे,
राम नाम में पूर्णतया विश्वास न होने दे वे दुर्बुद्धि है, इधर उधर भटका के वे दुर्बुद्धि है। भगवान राम अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, एक अयोध्या में अवतरित हुए हैं, दूसरे मथुरा में अवतरित हुए हैं। देवतागण जहां जहां भी बैठे हुए हैं, मुख्यतः देवलोक में, अन्य स्थानों पर भी जहां जहां भी बैठे हुए हैं, मन में भावना आई, न जाने कितने हजारों वर्ष हो गए हैं देवलोक में रहते हुए, अभी तक भगवान के कहीं दर्शन नहीं हुए, न ही कभी भगवान की सेवा का अवसर ही मिला है और न ही कभी मिलेगा। देवता भी, शास्त्री जी, देवता भी इंतजार करते हैं कब मानव योनि मिलेगी और हम भक्ति करके तो परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, सेवा करके परमात्मा के बंधुओं की, परमात्मा के साकार रूप की सेवा करके तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। देव दुर्लभ देव, ये जो हमें मिली हुई है देव दुर्लभ, मानो ये देवों को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ देव जो हमें परमेश्वर ने कृपा करके दी हुई है। देवता इस देव के लिए, देवी इस मानव योनि के लिए तरसते हैं, कब ये हमारा हिसाब किताब ये देवताओं का खत्म होगा और कब हमें मानवीय योनि मिलेगी और कब हम परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे या परमात्मा की सेवा के योग्य हो सकेंगे। आज मन में आया 33 करोड़ देवता है, शास्त्र कहता है, आज मन में आया अवसर है, चलो भगवान की सेवा करते हैं, भगवान इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, हो गए अतीव। बहुत से देवता वानर बन के तो भगवान राम की सेवा के लिए उपस्थित हुए, पेड़ बनके व अन्य कुछ कुछ बनके तो भगवान कृष्ण की सेवा व उनके साथ लीला इत्यादि करने के लिए, उनकी लीला अवलोकन करने के लिए योनियां धारण की। जो देव परमात्मा के दर्शनों को, परमात्मा की सेवा को तरसते हैं, मुझे आश्चर्य होता है सुन के जब कोई कहता है कि अमुक देवता ने ये कहा है कि राम राम जपना बंद कर, मेरा शरीर कांप जाता है। कोई ऐसी देवता, देवी देवता इस संसार में नहीं हो सकता, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता जो ये कहे, किसी को राम राम जपने वाले को ये कहे कि राम राम मत जप, माला ऐसा पाप कोई देवी देवता कभी नहीं करेंगी, ये पाप है। हाँ, स्वार्थी लोगों का बीच में हाथ हो तो उनका कथन हो सकता है, वे स्वार्थी हैं, वे निष्कामी नहीं। आप बहुत भोली हो देवी, यहां की लाहौल की देवियां, यहां के सज्जन, यहां के पुरुष बहुत भोले हो, सोच समझ के इन बातों में आया करो। परमेश्वर ने आपको राम नाम दिया है, अपना नाम दिया है, दिलवाया है, आप अपनी दुर्बुद्धि को, मंद बुद्धि को, तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, सद्बुद्धि बनाइएगा। उसी सद्बुद्धि की साधकों चर्चा हो रही है। कल उस युवक को भगवान ने अपना बना लिया है, अपना उत्तराधिकारी बना लिया है, वहां राजा थे लेकिन भगवान ने उसे अपना उत्तराधिकारी, अपना यंत्र, अपना अपनी सेवा के योग्य बना दिया है। क्यों? वह निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, स्वार्थी नहीं। ऐसे कर्मों को गीता जी में 3rd अध्याय में यज्ञार्थ कर्म कहा है। वह यज्ञ कर्म कर रहा है, यज्ञ के लिए कर्म कर रहा है, यज्ञ रूपी कर्म कर रहा है। कर्मकांड में यज्ञ उसे कहा जाता है जहां हवन इत्यादि मंत्रों का उच्चारण हो। आप सब जानते हैं, विशेषतया ब्राह्मण आप भी करवाते हैं, कर्मकांडी है।
वे यज्ञ का अर्थ यही मानते हैं जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया गया, मानो उसके अंदर कोई कामना है, ये चाहिए इसके लिए यज्ञ किया गया है। यज्ञ शत्रु का हनन करने के लिए भी किया जाता है, शत्रु का हनन हो, मेरे घर में ये हो इत्यादि इत्यादि, मानो यज्ञ के साथ कोई ना कोई कामना जुड़ी हुई है। ऐसे कर्म सकाम कर्म होते हैं। निष्काम कर्म अर्थात यज्ञार्थ कर्म, भगवान श्री कहते हैं यज्ञ के कर्म, गीता जी के अनुसार यज्ञ अर्थात निष्काम कर्म, तीसरा अध्याय पढ़िए, आप पढ़ चुके हो फिर पढ़ना। ऐसे कर्म जो दूसरों के लिए किए जाते हैं, दूसरों को सुख बांटने का कर्म, प्रेम बांटने का कर्म, दूसरों को देना, कुछ दूसरों के काम आने का कर्म, इसे यज्ञ अर्थ कर्म कहा जाता है, निष्काम कर्म कहा जाता है। परमात्मा की सेवा के लिए, भजन पाठ के लिए, साधना के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना निष्काम कर्म, यज्ञार्थ कर्म, दूसरों को प्रेरित करके साधक बनाना, उनको परमात्मा के श्री चरणों में लाना, उनको दीक्षा के लिए तैयार करना, उनको राम नाम के लिए जपने के लिए प्रोत्साहित करना, भगवान श्री कहते हैं ये यज्ञार्थ कर्म है, इनमें स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ से कर्म निष्काम नहीं रहता, जो कुछ आपको मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता जो निस्वार्थ कर्म करने से मिलता है, सीधी मुक्ति मिलती है। कल आपने देखा, कल आपसे अर्ज की जा रही थी, ऐसों को परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, परमात्मा स्वयं उनके पास पहुंचता है। क्यों? उसे भी तो चाहिए अपना काम करवाने वाले व्यक्ति, अपनी सृष्टि उसे चलानी है, अतएव प्रक्रिया को तैयार करता है, किसी से किसी प्रकार का काम लेता है, किसी से किसी प्रकार का काम लेता है, किसी से किसी प्रकार का काम लेता है। मानो हम सब काम करने वाले जितने भी दिखाई देते हैं, ये परमात्मा के ही हाथ हैं, परमात्मा के ही पांव हैं, परमात्मा की आंखें हैं, विश्व रूप दर्शन में सब कुछ आपको यही कुछ देखने को मिलेगा। ऐसा विश्वास ना होने दे वह दुर्बुद्धि है, ऐसा विश्वास जब अंदर बस जाए तो वह सद्बुद्धि है, वह विवेक युक्त बुद्धि है। जो सद्बुद्धिमान हो जाया करता है वह इधर उधर नहीं भटका करता, वह औरों की बातों में फिसलता नहीं है, वह भटकता नहीं है, उसकी तार परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है और इससे वह संतुष्ट रहता है। मुझे इतना विश्वास कि मेरे कर्मों के अतिरिक्त मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कभी कभी माताओं आप लोग ऐसे शब्द प्रयोग करती हो कि जब से ये बहू मेरे घर में आई हुई है तब से इसने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया है, मेरा घर उजड़ गया है। ऐसा शब्द राम नामियों को शोभा नहीं देता, ये अविश्वास के चिन्ह है। मानो आपको ये विश्वास नहीं है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है विधाता के विधान के अनुसार घटता होता है, या यूं कहिएगा वह हमारे कर्मों के अनुसार घटित होता है। समय तो हो गया साक्षिणों, कल जारी रखेंगे चर्चा को, आज यही समाप्त करने की इजाजत है। धन्यवाद।